हैप्पी बर्थडे टू यू। मंत्रण क्यों नहीं कहा, सबसे पहले तो मुझे ये बता। बढ़िया लगेगा पत्ते आज बचा अचानक से, मतलब पता ही नहीं चला एक महीने में सब कर दी। अरे बहन इतने प्यार से अपने दादा के लिए लाई है, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन की ऐसी शुभकामनाएं आपको। अपने दादा के लिए मैं कुसीला भेज रही हूँ, बाहर से भी अंदर से भी पोत रखा है जो। जब से मैंने दीदी एड में रहना छोड़ा ना, मतलब मार्केट में, तब से यहाँ मार्केट में कोई लोग ही नहीं दिख रहे हैं यार, उन्हें क्या हो गया? आजकल ही नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे? आजकल छुट्टियाँ हो रही है ना, पूरा मार्केट खाली लग रहा है। देखो दोस्तों, किसी को अगर हमारे गाँव में कुछ नजर आया तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मोनिका कहने है कि ये इंडिया का मैप जैसा लग रहा है। अरे सास का कितना भयंकर ऑर्डर किया ना 6 बजे घर पहुंचने का, लेकिन ये आइसक्रीम घर जाकर पिघल नहीं चाहिए, इसको खा के जाएंगे। बिल्ली का नवान है, केक खाने आना। आना अभी। Hey guys, good morning, welcome back to my channel. I hope आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से, और खिलखिलाती धूप भी आई है और खिलखिलाते बादल भी लगे हैं, तो कोई भरोसा नहीं है मौसम का। आज जा रहे हैं हम चाची लोगों की रोपाई में, क्योंकि उनसे पलटा लिया था हमने, तो उनका वापस करना है। तो थोड़ी देर मैं जाऊंगी, उसके बाद मम्मी जी आएंगी। तो अभी तो फिलहाल मैं ताऊ जी का इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे, उनको देने हैं आड़ू और पुलम। अगल बगल से मांग उनके लाई हूँ, क्योंकि ताऊ जी ने कहा था थोड़ा कहीं से अरेंज कर दे, तो हमारे तो है नहीं, अगर हमारे होते तो मैं ही दे देती। तो बगल की ताई जी ने और नीचे की ताई लोगों ने थोड़ा थोड़ा सबने दिया है मिक्स करके, तो ये ताऊ जी तक पहुँचा देती हूँ, उसके बाद जाऊँगी खेत की तरफ। सीजन आ गया है बड़े वाले पुलम पकने का, तो ये पक गए हैं। और आड़ू तो अभी वैसे इतने खास तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े लाल हो रहे हैं। मेरा प्रसाद खाया लाल जाओ पर जाओ कम तो नहीं रहा इतना ध्यान पा आपके कुछ फोटो खींची लाग बलाब चापे हमारे लागना का दी मैया ए बार नाच दियो यार, चाहो तो मैं नंदी में नंदी सास सब आ रहे नाच खेत, चाहो तो हमारे चेली फर्स्ट है नियो बहू बहू को मैच तो नहीं तार दिया कहीं। हाँ जब सास लगू नहीं वाले मैच जा पाई बुआरी की नहीं बाजार वो सीडो डालो आप कहो कि कुछ है फिर बरखा में नाचना घामे से खर खुर चढ़की रहा है, कहाँ अच्छे से पुते डाल रहा है, बहुत घाम लग रहा है। रुको रुको घामे की धूप लग रही है, व्यू तो बंदी हो बड़ी व्यू जन आ गया अच्छा पुत। मैं घर जम रही अब, मेरे बच्चा बांध ना तुम्हारी गाड़ी छिटोली मान सिंह भाई ला तो तू फटाफट पुता रही मैं चाव दे यू एल मैं एक बार बक्की करूँ मुझे वाला तो अर्शी हूँ मैं तो एक बार बक्की करी मैंने तो अर्शी वीडियो में निकालने लगे बक्की चार दिन बरसी का पकड़ू लगी साल में पत्ते नहीं चली का पकड़ू थे बस छह कर उठा चावल देने आ रही है सब पे टिंगलू टिंगलू आयरन गाड़ मिले आज तीन मेरे आम जाती गिरी छाया छेम ना खाली कचार लगल के आईटम गाड़ में मेरा कौन भूल गई मैं पता मिंदे जाओ अब थाड़ा जरे एक खुनल दीप उंग उज होइन बलावे गोड ईदगाह ये छुलवाल गोड और एक तलमवाल गोड खा बनाएगी हाई खा खाएगा घर निगनी खाई ना चाहे हमारे भाई खेते हो के ला रहे है ओ ताई खाओ पड़ जाओगा लग रहा चक्कर में दो पास में करना
ये लेटरिन में जमर से ये बाथरूम में ये मुनियाल जमर ये फिर उधर जखनी ना और कर रखा है जहाँ जो ये भगवान में से क्या कोने नहीं आई जीता ले आए क्यों भाई बता बारी क्या कर रखा है जो ये आहमद क्या करना मिले ये नंदना ये सब बोल दिया रूम में बाजार आयो पर मैं ली तो अब मैं डरियान में ये दी माल घर लगा रही है दी बाजार बढ़ा ली है इधर गुजरी मार्ट तो शायद ने खिला दी मिले तो दोस्तों मैं जा रही हूँ मार्केट की तरफ। अब हाँ थोड़ा टाइम से उठ गई हूँ, जिस दिन कहीं जाना होता नींद भी नहीं आती है दिन में, तो ऐसा ही समझ लो कुछ मुझे नींद नहीं आई। तो स्वागत है आपका पहाड़ी बाखली में। अभी हम पहुंचे हैं मोनी लोगों के घर के पास। काफ़ी टाइम से घर से बाहर नहीं निकली हूँ, थोड़ा सा काम भी था और मोनी जी का बर्थडे भी है, तो थोड़ा बहुत आज सेलिब्रेशन होगा। होगा या नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा, पहले तो इतना टेंशन हो रहा है धूप में जाएँ कैसे। स्कूटी चलानी आती तो चले जाते, बढ़िया मज़ा आता। अभी स्कूटी चलानी भी नहीं आने वाली है मुझे, सब ने स्कूटी चलानी सीख दी, मैं ही बची हूँ अब। बर्थडे पार्टी में एक प्लेट मोमो ठूस दिए हमने, जो आपको दिखाया नहीं, पता नहीं अब पसते है नहीं पसते है। प्लेट देख लो, अब ये खा ही दिया है तो अब हम कॉफी मंगाएंगे, कॉफी पियेंगे। ये है मोनी जी, जो भी खाना है खा ले मोनी। मेरी बहन का कैफे है। आज पहली बार आ रही हूँ यार, मैं अभी मिलाऊंगी अपनी बहन से भी जो मेरी मायके की है, और इनका बर्थडे है आज, ये लाई है पार्टी कराने के लिए। क्या जिता रहे हैं, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, सब लोग विश करना। हेलो गाइज, हाथ मिलाओ। ये है मेरी सिस्टर, लिटिल सिस्टर, जिनकी अभी भी शादी हुई है, इनका ही कैफे है। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, शादी करके ऐसे अच्छा ही लगता है क्यों? बोला था याद नहीं है क्या? ऊपर कॉलर गए थे जब कहाँ गए थे, क्या क्या बोला था? शादी के बाद हम जाते हैं बुड्ढे लगते हैं, बुड्ढे हो गए यार, सच्ची कहा बोला था मेरे को याद आ रही ना। जब ग्वाला गए थे तब की याद है इसको, देखो अब दोबारा पालते हैं बकरियां, फिर जाएंगे, वो दिन वापस नहीं आ सकते यार। अब शादी में हम आए नहीं, वैसे आपने बुलाया भी नहीं, मेरे को निमंत्रण क्यों नहीं कहा? सबसे पहले तो मुझे ये बता, बढ़िया लगेगा पत्नी आज बोल जा पे, मतलब अचानक से, मतलब पता ही नहीं चला एक महीने में सब कर दी, अचानक से हो गया ना, तब पता नहीं चला। यार पूजा तूने इतनी छोटी एज में शादी क्यों करी, अभी तो मासूम बच्ची है यार तू। मम्मी आए सो रहे तो कुछ है नहीं, बैठे बैठे रहे हैं अभी। चलो मायके कब जा रही है? अब जाऊंगी अभी। नंबर मेरा सेव कर लेना, ऑटोग्राफ तो खैर की दी हूँ मैं तुझे, कॉफी पिएगी चल, दुकान में आए तेरे। पूजा कब? आज दिन हो गया, दलिया दलिया खानी होली ने, मेरे घर वाले टाइफाइड है यार, परहेज करी जा, परहेज करी, पानी गंदा रहना उस चक्कर में भी। तो उबाल के नहीं पीती है, शेयर का दान दिया कर अपनी। अब उबाल के पी रही हूँ। जब से मैंने दीदी एडमिट रहना छोड़ा ना, मतलब मार्केट में, तब से यहाँ मार्केट में कोई लोग ही नहीं दिख रहे यार, उन्हें क्या हो गया? आजकल ही नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे? आजकल छुट्टियाँ हो रही है ना, पूरा मार्केट खाली लग रहा है। देखो सुन था बिल्कुल सुन, अभी भी सुननी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने घर में बैठे होंगे यहाँ पे भी, क्योंकि बहुत शांति हो रही है मार्केट में। आज तो मंगलवार भी है, मंगलवार की वजह से नहीं आते क्या मार्केट? यहाँ बाहर से होती भीड़ क्यों यार? मंगलवार क्या है लोग ऐसे ना नाते रिश्तेदार से मिले अपना काम, माय गॉड ऐसे ऐसे सोम बुध अभी इतनी कम भीड़ है, मैं कह रही हूं इतना बाजार पूरा खाली है, देखो कोई लोग ही नहीं दिख रहे, मक्खी भी नहीं हिल रही आज तो। यहां बाहर से आते हैं, कोई मन खाना है सच में? इला तीन आदमी बैठे बेचारे, उन्हें उदार बैठा नहीं लाइ, दुकानदारी मोनी कर हमने पार्ला बेचारो, एक के हाथ दो फ्री बोला जी, आंटी उजाड़ लगा देगी दुकान का, दुकान का उजाड़ लगा देगी, देख लेना। ऐसा तो संजू के अभी नहीं हो रहा जो मेरे। ऊपर से हमारा गांव कुछ इस तरह का दिखता है दोस्तों, पूरा जंगल देखो ऊपर का, और बीच में छोटा सा पुंटू सा गांव हमारा। दोस्तों किसी को अगर हमारे गांव में कुछ नजर आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मोनी का कहना है कि ये इंडिया का मैप जैसा लग रहा है, और लग भी रहा है। अभी मुझे समझ में तो नहीं आया था, लेकिन मोनी ने मुझे समझाया तो मैं समझ गई, तो आपको समझ आ रहा है तो आप बताओ इंडिया का मैप किस एंगल से लग रहा है ये? ये देखो श्रीलंका, हिंदू महासागर, नीचे नदी भी बहती है, और ऊपर क्या है यार, जम्मू कश्मीर, सच्ची में जम्मू कश्मीर ही लग रहा है। मोनी का कहना है बर्फ छड़ी बर्फ आ जाओ, चाहे सास का कितना भयंकर ऑर्डर क्यों ना हो 6 बजे घर पहुंचने का, लेकिन ये आइसक्रीम घर जाने तक पिघलनी नहीं चाहिए, इसको खा के जाएंगे। अभी स्कूटी चलाते तो हमको ही फायदा होता रे, इतना पैदल नहीं आना पड़ता, ऐसे कभी कभी पैदल चलना भी अच्छा होता है सेहत के लिए, लेकिन जब हम थक जाते तो हमें लगता है स्कूटी अच्छी है। तो हमारे हाथ में सामान भी काफ़ी सारा है, सब्जी वगैरह मोनी के पास भी है बेचारी, केक भी खुद ही लेके आ रही है अपने बर्थडे का,
तो तुरंत घर पहुंचते हैं, घर में खाना बनाते हैं, फिर मोनी के घर में बनाने हैं। शर्गा तेरा हाथ धोई जाओ। अब ऐसा कौन चला जाते हैं, बारिश आती है हमारे घर जाता बड़ी बरखा इंतजार करन करन ऐसा रुपया लग जाए हमारे ऐसी ब्याल खाऊ मणि बाजार बिन के निकनी चीज देख रहा खाद लगा है यार बर्फ लग गए छतरे ही नहीं ना वरना तो तेने के लई जाना। खैर शॉपिंग कुछ नहीं करी, शॉपिंग कुछ नहीं करी, शॉपिंग हमने करी सिर्फ साग सब्जी वाली और हमारी जो पुरानी सूटें थी मतलब कि एक्सचेंज करानी थी वो वही सामान था हमारा, बाकी नया कुछ नहीं लाए हैं। नया कुछ लाए भी तो आपको दिखाएंगे थोड़ी ना है ना फनी। बिल्ली का नवान है, केक खाने आना। हाँ आना अभी बिल्ली बिरल बिहारी ठीक है ठीक है। गाँव के पास पहुँच के थोड़ा सस्ता लेते हैं क्योंकि हम पैदल आ रखे हैं और हमारे हाथ में बहुत सामान है, हाथ भी थक गए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और रात तो बर्छी दिन बने गाढ़ गर्म थे दिन बने बोले हमारे रुपये लग जाए भगवान दुआ करो खेत नहीं ढूंढने फिर विशाल करना लगन मिले आप बता ली। दूध तो गर्म हो गया, खाना भी बन गया होगा, बस खाने की देरी है, पढ़ने की तैयारी है। मुझे तो निमंत्रण आया मोनी का बर्थडे है, खाना बना भाई आटा गूंदूंगी रोटी आप बनाना। चला गया देखो तो मेरा सिंपल सा पनीर बन चुका है दोस्तों, लेकिन इसको खाने का सौभाग्य मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास कम टाइम है तो मैंने जल्दी जल्दी इसे बना दिया है। इसमें मसाले कुछ भी नहीं पड़े, सिर्फ टमाटर डाला है मैंने, तो ये पक भी चुका है। अभी बताऊंगी मैं क्यों नहीं खा सकती इसे। तो अपने घर में खाना बना के अब मैं जा रही हूँ मोनी लोगों के घर पे, खाना पीना वहाँ खाऊंगी, बना घर पे दिया है। तो घर में भी मम्मी आज खेत में गई थी ना मेरे बदले वो आई थी, तो उनको भी थकान लगी है तो मैंने टाइम से खाना बना दिया है। अब मोनी जो कहती है पता नहीं, लेट तो हो ही गया है। मोनी मैम का बर्थडे देखो कितना प्यारा केक बना के लाए हैं हम आज। पूरे बैग रहे यार मोनी, काट यार फटाफट केक, भूख लग गए। इंतजार कर रहा हूँ ना, मैंने फूल टपका खा दी, बता दी वीडियो केक काट कर दी फूल चल रहे हैं, भूख लग गए। भूख के एक लाइव डी बैठ गए, चलो काटो काटो दीतिम काटो काटो टाइम काट दियो ये हरम लगो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मोनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी को खिलाओ पहले, सबसे पहले मम्मी को खिलाओ। चाची आप भी खिलाओ थोड़ा सा, उनका खूब तरक्की करो आप लाइफ में, मैं तो यही चाहती हूँ। तुमने हैप्पी बर्थडे वाली ताली नहीं मैं ताली बजाओ, ताली बजाओ हैप्पी बर्थडे वाली। ये दीदी है, हैप्पी बर्थडे टू यू जी का ना पुतला, केक का बर्बाद क्यों कर रहे हो तुम? चलो खिलाओ, ज्यादा मत लगाओ उसके मुंह में, खराब मत करो चेहरा उनका। आज तो मोनी को बहुत सारे विशेष मिले। मोनी कैसा लग रहा है आपको फिर? बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। स्कूल के टीचरों ने स्टूडेंटों ने इनका व्हाट्सएप आज हैंग कर दिया है। खाना खाते हैं, केक तो बहुत टेस्टी हो रहा है मोनी के बर्थडे का। अगले महीने मेरा भी बर्थडे आ रहा है, मेरे बर्थडे में भी आना सब। हेलो गाइस, तो हमारा खाना पीना हो गया है और ये थोड़ा सा अपने दादा के लिए मैं कुसीला भेज रही हूँ। बाहर से भी अंदर से भी पोत रखा है, जो जो बाहर से भी अंदर से भी पोत रखा है, बहुत सारे टुकड़े हुए हैं इसके। तो ये मोनी का प्यार है अपने दादा के प्रति है। और ये दादा के मेरे को नेक्स्ट मंथ मेरे को भी इससे बड़े कटोरे। ये पलटा है दोस्तों, ये मोनी का पलटा। और मैं बताती हूँ दादा का तो टाइफाइड रहो खाएंगे नहीं, ये भाभी के पेट में जाएगा इनको पता है, फिर भी दे रही है देखो इतना प्यार। वो पलटे है, नेक्स्ट टाइम इससे बड़े कटोरे में मेरे को मिलेगा ना, जरूर मिलेगा यार, मेरे बर्थडे में क्यों नहीं मिलेगा। कोई नहीं खाएगा, तुम्हारे पेट में जाएगा। हाँ बिल्कुल, जिस दिन अपने घर में केक होता है उस दिन पेट भरा रहता है, जिस दिन दूसरे के होता है थोड़ा अच्छा लगता है। ये मुझे छोड़ने आ रहे हैं दोस्तों, खाना भी खिलाया, छोड़ने भी आ रहे हैं बेचारे, साथ में कुसीला लेके उसमें मच्छर ना बैठ जाए। चलो फटाफट, हमारी बहन इतने प्यार से अपने दादा के लिए लाई है। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, जन्मदिन की अशेष शुभकामनाएं आपको और जुग जुग जियो, जल्दी से एक सुयोगी वर मिल जाए। वही सब पे दस लगे अपने हाथ पीले करने में कोई देरी नहीं करनी है आप। बाकी हुआ जी रही है, जाग रही है, भले रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।